Gobierno. Eso. चलो अगला क्या डिस्कस करना है? तो वो क्लास टेस्ट का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रॉब्लम, उसमें क्या दिक्कत है? अटेंड किया उसको? सो वो क्वेश्चन नहीं समझ, एक मैंने टैंकेशन का प्रॉब्लम कल दिया था, वो किया था मैं, वो ट्राइप्रोटिक वाला। हाँ हाँ सर, ट्राई किया। उसके आंसर जरा बताओ, क्या क्या वैल्यूज पूछी थी? 0 ml, 0, 25, 50, 75, 100 and 125 ml and 150, 160 ml. 75, 125, 150 and 160. ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके चलते हैं। इसके पीएच वैल्यूज कौन बताएगा? किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट किया है किसी ने कि नहीं किया है? अभी करके बता दो। Yes,
किया भाई आया आंसर सर लास्ट के तीन बाकी है
सर आंसर बोलो ना, बोलो आंसर। तो मुझे ए वाले का नहीं आया, बाकी के बोलो। तो बी का 3, सी का 5.5, डी का 8, 11.5, 13, ट्वेल्व 12.2, ये लास्ट वाले का आई थिंक रहा। सबको यही आंसर है, are all of you getting same answer? So मुझे C वाले का 7.8 आ रहा है। Not quite different. So C वाले में मुझे भी doubt है। क्या doubt है भैया? Select. तुम्हारा कितना आ रहा है? So 5.7 आ रहा है। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसमें? सर मुझे लास्ट वाले का 13.8 आ रहा है। ठीक है, ये क्या रीजन है कंफ्यूजन का इस प्रॉब्लम में? Why you are getting so many answers? सोचो कुछ गलती हो रही क्या कहीं? एक गलती तो दिखनी चाहिए सबको। सर वो 150 है। सो वो एफ एंड जी में ना? क्या गलती दिख रही है एफ एंड जी में? पेस्ट आ रहा है तो पेस्ट करना। और एफ एन जी में कुछ गलती तो दिख रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट वाले का 2 आया था। फर्स्ट वाले का 2 आया। फर्स्ट पार्ट के लिए तो केवल वीक एसिड पड़ा है पॉलीप्रो पे, तो उसमें पीएच कैलकुलेशन में तो केवल फर्स्ट स्टेप ही इम्पोर्टेंट होगा, दूसरे स्टेप से कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा। इनिशियल मोलारिटी दी थी 0.1, और इसका के दिया है 10^-3।
ठीक है, ये कर रहे हैं ना। अब अगर अप्रोक्सीमेशन ले लो, वन माइनस अल्फा को अगर वन लिख दिया तो अल्फा पॉइंट वन आ जाएगा, ठीक है। यस सर, बट दैट इज सी नॉट अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन, 10% हो जा रही है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है भाई। अप्रोक्सीमेशन लिया, अल्फा को वन के आगे निगलेक्ट किया, उसके बाद अल्फा कितना आ रहा है कैलकुलेट होके, 0.1, 0.1 इज 10% ऑफ 1, ठीक है। तो इट्स बेटर लेट्स सॉल्व द क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, तब भी ऑलमोस्ट उतना ही आने वाला है। तो कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करके पूरा, कैलकुलेशन सब सही है ना। यस सर, पॉइंट 0.095 अल्फा, तो एच प्लस है 0.1 अल्फा, हो जाएगा 0.0095। उसका नेगेटिव लॉग लेके पीएच हो जाएगा 2.02, ठीक है। ये है फर्स्ट वाले का आंसर। टू भी लिख देते तो चल जाता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। ओके, चले आगे। यस सर, बी वाला था 25 ml NaOH, ठीक है, क्लियर। कॉन्जुगेट एसिड बेस बफर है ये, करेक्ट। बफर का पीएच 3+ लॉग, तो इसका पीएच तो 3 समझो। नेक्स्ट पार्ट में कितना डाला, 50 ml, दोनों 5 5 डाले,
एम्फोटेरिक आयन वाला सॉल्ट, नेक्स्ट पार्ट में 75 एम एल डालना। ठीक है, यस सर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पीएच विल बी पीके टू, तो ये दोनों भी वैल्यूज ठीक है। पार्ट सी क्लियर है? यस सर। नोट कर लिया? हाँ सर। अब डाला कितना? 100 मिलीलीटर। फिर सॉल्ट ऑफ एम्फोटेरिक आयन पीएच विल बी पीके टू प्लस पीके थ्री बाय टू, ठीक है, कितना हो गया 10.5। चले आगे। अब डाला 125। अब तीसरा रिएक्शन शुरू होगा।
क्या बचा है? What is finally left? Acid and salt. Container. Conjugate acid base pair. Yes. Yes. Buffer है? Yes sir. Yes sir. क्या pH का expression लगेगा? 13 plus log 2.5 upon 2.5. तो pH का expression 13 plus log 2.5 by 2.5 कितना? ये नहीं लगेगा. यही क्या इस मेन रीजन इस प्रॉब्लम को देने का भाई. बफर की इक्वेशन जो थी pKa plus log salt by acid वो कब लगा सकते थे? उसकी एक कंडीशन थी. अब इसमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एसिड की मोलारिटी क्या है? HCO42 माइनस की. उसके 2.5 मिली मोल्स हैं, करेक्ट? Yes. और टोटल वॉल्यूम है 175. अग्रीड? Yes, sir. तो 1/70. और सिमिलरली फॉस्फेट आयन की भी मोलारिटी सेम है. तो C1 और C2 दोनों है 1/70. Ka कितना है? K3Na इसका के 10⁻³⁰. तो Kw/Ka3 कितना होगा? C1 and C2 are not much greater than Kw/Ka3. We cannot directly apply buffer equation. भाई ये चेक करना था ना buffer equation apply करने से पहले कि Ka and Kw/Ka both are much lesser than C1 and C2. Correct? Yes sir. वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसिडर करना पड़ेगा. तो हमें अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कंसिडर करना पड़ेगा. सो क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हो? बफर के नोट्स में देखो क्या लिखा है. बफर इक्वेशन अप्लाई करने की कंडीशन, जस्ट चेक दैट. ठीक है. और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻¹ विल बी 1/70 अल्फा इनटू 1/71 प्लस अल्फा अपॉन 1/71 माइनस अल्फा. इस 70 को इधर ले आओ तो 70/10 7 is equal to alpha square plus alpha upon 1 minus alpha. तो ये quadratic हो गई alpha square plus 8 alpha minus 7 is 0. तो alpha आया minus 8 plus root of 64 plus 28/2. ठीक है. माइनस 8 प्लस रूट 92/2 कितना आ रहा है अल्फा? 1.6/2 तो 0.8 आ रहा है अल्फा. तो OH माइनस की मोलारिटी कितनी हो गई? 1/70 अल्फा, दैट इज 0.8/70. नेगेटिव लॉग लेके पी ओ एच निकालते हैं.
12.06 समझ में आया? ओके awesome. और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में जब Na3PO4 बन जाएगा 150 ml में क्या होगा? ठीक है, तो अब 5 मिलीमोल Na3PO4 बचा है, सॉल्ट हैविंग अ नॉन एम4 कैरी कैनॉन है, ओके? अब यहाँ भी हम लोग सीधे बाई 7 प्लस हाफ लॉग सी वाला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगेन अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है. मोलारिटी क्या है Na3PO4 की? उसके 5 मिलीमोल्स बने और टोटल वॉल्यूम है 200, तो 1/40. इक्वेशन क्या थी? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एसी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यहाँ पे है 1/10, विच इज ग्रेटर देन सी. यहाँ तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी. 4 माइनस 4 अल्फा इज अल्फा स्क्वायर. तो अल्फा की वैल्यू यहां से आई 4 प्लस रूट ऑफ 16 प्लस 16 बाय 2. कितना हो गया ये? माइनस 4 प्लस 4 रूट 2 बाय 2, तो अल्फा आ गया 2 रूट 2 माइनस 2. कितना हो गया ये? अल्फा आ रहा है 0.28. तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन सी अल्फा 1/40 इंटू 0.828. नेगेटिव लॉग लेके POH कितना आएगा? तो pH 12.32. Okay, what is it? So can you show the G part from the start?
हो गया तो वन से डांस लास्ट लास्ट क्या था 160 में क्या होगा फाइनली NaOH बच रहा है स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है Yes, sir. That's wonderful. Yes. हाँ तो OH माइनस की मोलैरिटी सीधे लिख के 1 मिलीमोल बचा और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 210 ठीक है Yes, sir. तो उससे तो POH कितना आ जाएगा 2.32 तो फिर से ऐसे नहीं करेंगे हाइड्रोलिसिस कंसीडर करनी पड़ेगी देखो ना इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फास्फेट आयन का बहुत ज्यादा है इसलिए हम लोग सिंपली वो इक्वेशंस नहीं लगा पा रहे वो कोई भी अप्रोक्सीमेशन अब वैलिड नहीं हो रही है और ये इनिशियली कितना है फास्फेट आयन 5 मिलीमोल तो 5/210 ये है इनिशियली 1/210 तो इक्विलिब्रियम पे ये आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/10 ठीक है तो क्या इक्वेशन बन गई है
ठीक है, अल्फा निकाल लोगे अब? हाँ सर, हाँ सर निकाल, अल्फा निकाल लेना फिर उससे OH माइनस की कंसेंट्रेशन, पीएच पीओएच कर लोगे आप? हाँ सर, सर कैन यू शो द लास्ट टू लास्ट पेज? आई विल सेंड ऑल द स्क्रीनशॉट्स, ओके? ओके सर, थैंक यू सर, चलो बाय एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्लास इंडिकेटर्स करेंगे, ओके? एंड सर डू यू हैव द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड क्वेश्चन? हाँ वो पेपर का जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर.